मीटू अभियान के तहत यौन शोषण के आरोपों में फंसे विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर के इस्तीफे की लगातार मांग हो रही थी। विपक्ष मोदी सरकार पर दबाव बना रहा था कि सरकार अकबर को पद से हटाए, जिससे मोदी सरकार भी बैकफुट पर आ गई थी। इन सब के बीच अब आखिरकार विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है। सोशल मीडिया पर शुरू हुए मीटू अभियान ने देश की सियासत में हाहाकार मचा दिया है। जब से विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर का नाम इसमें सामने आया है, देश की राजनीति गर्मा गई है। दरअसल कैंपेन के तहत पत्रकार प्रिया रमानी समेत 20 महिलाओं ने उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इन तमाम आरोपियों ने मोदी सरकार की परेशानी बढ़ा दी थी, साथ ही एमजे अकबर पर इस्तीफे का दबाव भी बढ़ा दिया था। लेकिन पहले तो एमजे अकबर इस्तीफा ना देने पर अड़े रहे, मगर जब मामला प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक पहुँचा तो आखिरकार अकबर को इस्तीफा देना ही पड़ा। अपने इस्तीफे में अकबर ने जिम्मेदारी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को धन्यवाद देते हुए कहा कि वह अपने ऊपर लगे आरोपों के लिए निजी तौर पर अदालत में मुकदमा लड़ेंगे। उन्होंने यौन दुर्व्यवहार के आरोपों को झूठा बताया है। वहीं इस इस्तीफे पर आरोप लगाने वाली प्रिया रमानी ने खुशी जाहिर की है। रमानी ने कहा कि इससे उन्हें सुकून मिला है। आपको बता दें कि इससे पहले एमजे अकबर ने प्रिया रमानी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिस पर कल पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। वहीं इस मामले में प्रिया को महिला पत्रकार संगठनों का साथ मिला है। महिला पत्रकारों के एक पैनल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर मामले में हस्तक्षेप की मांग की थी, जिसके बाद अब अकबर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।